संभव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करें बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो उसके कुछ यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशन हल करेंगे अपन। पहली यूनिट का जैसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 + y² dx = tan−1 y − x dy। तो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो 1 + y² dx = tan−1 y − x dy। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन अगर चेंज करें तो यहाँ से dy को ट्रांसफर करें तो dx/dy = tan−1 y − x/1 y². डिवाइड करें यहाँ से तो dx/dy = tan−1 y − x/1 y². x/1 y² को ट्रांसफर करें तो dx/dy + x/1 y² = tan−1 y / 1 y². अब देखा जाए तो ये जो इक्वेशन अपने पास बनी है, इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रेखीय अवकल समीकरण जिसे अपन कहते हैं, जिसका रूप होता है dx/dy + px = q की फॉर्म में, जहां p और q जो है वो y के या कांस्टेंट फलन होते हैं, अचर फलन होते हैं। तो यहाँ पे यही रूप अपने पास बन रहा है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं अपन, तो इसके लिए एक समाकलन गुणांक जिसे अपन if कहते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर, उसका मान निकालते हैं। उसका मान इस प्रकार if (e^(∫pdx) की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से e^(∫p) का मान देखा जाए तो यहाँ पे 1/1 + y² और इसका समाकलन करें तो dy है, तो e^(∫1/1 + y² dy और 1/1 + y² का जो इंटीग्रेशन होता होता है tan−1 y, तो e^(tan−1 y) ये अपने पास में इसका if हो गया। अब इसके हल की अगर बात करें तो हल का जो फॉर्मूला होता है सीधा सा, ये जैसे x का अवकलन चल रहा है तो x(if) = q(if) और इसका इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट, ये y के रेस्पेक्ट, तो ये हो जाएगा x(if) का मान e^(tan−1 y) = q का मान अगर देखें तो q जो इक्वल में दे रखा है अपने को, तो इंटीग्रेट tan−1 y/1 y² और यहां से अपने पास में मान आ जाएगा e^(tan−1 y) और dy। अब बात करें अपन इसके राइट हैंड साइड की, अगर इसका इंटीग्रेट करें अपन तो अपन बात करें एक प्रतिस्थापन मेथड की, जिसमें अगर मान लें अपन कि tan−1 y को अगर अपन थोड़ी देर के लिए t पुट करें तो यहाँ से 1/1 + y² dy जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना जो मान ये इंटीग्रेशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार बन जाएगा, x(e^(tan−1 y) = ये मान बनाएगा इंटीग्रेशन tan−1 y को अपन ने t पुट किया था, ये t, यहाँ से ये जो मान बना है e^(t) और बाकी का जो फलन था वो dt में कन्वर्ट हो गया, तो ये dt। अब यहाँ से t(e^(t) dt का इंटीग्रेशन करें तो t(e^(t) का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बनता है, बाई पार्ट अगर इंटीग्रेशन करें तो इसका इंटीग्रेशन बनता है अपने पास में t(e^(t) − e^(t). तो यहाँ से माना जाएगा x(e^(tan−1 y) = t(e^(t) − e^(t) और कांस्टेंट के लिए अपन काम में ले सकते हैं +c। तो यहां से पूरा मान वापस t का मान पुट करें तो x(e^(tan−1 y) = tan−1 y) = tan−1 y − e^(tan−1 y) + c। अगर tan−1 y को अगर ट्रांसफर करें e^(tan−1 y) को तो x = अपने पास जो मान बनाता है वो आ जाएगा tan−1 y − 1 + c(e^(tan−1 y). ये अपने पास में
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हल आ जाएगा जो अपने को दी गई थी, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई का। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर दो की। क्वेश्चन नंबर दो जैसे कि दे रखा था अपने को y साइन टू एक्स डी एक्स, वाई साइन टू एक्स डी एक्स माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई। इसके सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो ये जो अपने पास में फॉर्म दे रखी है अगर अपन देखें तो ये फॉर्म है अपने पास में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में, जहां यहां से लेकर यहां तक का मान n का होगा और यहां से लेकर यहां तक का मान m का होगा। तो यहां m इक्वल अपने को दे रखा है y साइन टू एक्स और n का मान दे रखा है माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये अपने पास n का मान है। और ऐसी फॉर्म या ऐसी इक्वेशन को जब अपन सोल्व करते हैं तो इन इक्वेशन में सबसे पहले अपन देखते हैं एग्जैक्ट फॉर्म यथातथ फॉर्म की। तो यथातथ के लिए अपन कहते हैं कि यथातथ अवकल समीकरण कौन सी होती है, तो जिनके लिए डेल एम बाई डेल वाई का मान डेल एन बाई डेल एक्स के इक्वल हो तो उनको अपन यथातथ कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसी की जांच करते हैं अपन। तो यहां से बात करें अपन डेल एम बाई डेल वाई की, जब वाई के रेस्पेक्ट अपन जब डिफरेंशियल अवकलन करें इसका तो एक्स को अपन को कॉन्स्टेंट की तरह काम में लेना है। तो यहां से अपने पास में देखो साइन टू एक्स एक कॉन्स्टेंट पद है तो यहाँ वाई के सापेक्ष या वाई के रेस्पेक्ट अवकलन हो जाएगा इसका केवल साइन टू एक्स। ऐसे ही अपन डेल एन बाई डेल एक्स का मान ज्ञात करें तो यहां से वन कांस्टेंट है जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर इसके लिए कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, तो बचा कौन कॉस स्क्वायर एक्स। और इसका जब अपन डिफरेंशियल करें तो यहां पहले पावर का होगा तो पावर का हो जाएगा माइनस का टू कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का करें तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस प्लस का हो जाएगा और ये साइन एक्स हो जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास मान आ गया साइन टू एक्स। तो देखा जाए तो ये मान दोनों इक्वल है तो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स। और जब अवकल समीकरण यथातथ हो जाएगी तो अपन ये कह सकते हैं कि अवकल समीकरण कैसी है, यथातथ है। अब अवकल समीकरण यथातथ है ये, तो यहां से अवकल समीकरण यथातथ अवकल समीकरणों को तरीका हल करने के लिए कुछ अपन ने पांच पॉइंट होते हैं, वो पांच पॉइंट कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले अपन लेके चले तो सबसे पहले इसमें यथातथ होने के बाद एक पहला मान निकाला जाता है, पहला पॉइंट होता है यू एक्स वाई का मान। और वो यू एक्स वाई का मान किस प्रकार से निकालते हैं, इंटीग्रेशन एम डी एक्स से फॉर्म से। तो एम का मान, तो अपन एम का मान अगर देखें तो इक्वेशन में अपने पास एम का मान दे रखा था वाई साइन टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेट करें अपन एक्स के रेस्पेक्ट वाई साइन टू एक्स। और इसका जब डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन करें अपन तो y तो अपने लिए कांस्टेंट है, साइन टू एक्स का करें तो साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, तो ये आ जाएगा y वो भी माइनस का कॉस टू एक्स अपॉन टू। और अगर अपन कांस्टेंट काम मिले तो प्लस सी वन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई का मान, ये डेल यू बाई डेल वाई, तो जो अपने पास यू का मान है उसका वाई के रेस्पेक्ट अपने को डिफरेंशियल करना है। तो इसका अवकलन करें अगर तो यहाँ पे केवल अपने पास वेरिएबल का काम वाई कर रहा है तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो माइनस कॉस टू एक्स बाई टू ये पूरा कांस्टेंट है, वाई का वाई के रेस्पेक्ट एक हो जाएगा, सी वन कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। थर्ड फॉर्म होती है इसकी यथातथ को हल करने की एन माइनस डेल यू बाई डेल वाई, एन का जो मान था अपने पास में तो एन का मान अपने पास है माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहां से डेल यू बाई डेल वाई का मान आया है माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू, जब इसे हल करें तो माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस वन बाई टू कॉस टू एक्स का फॉर्मूला अगर ले अपन कॉस स्क्वायर या कॉस के पदों में तो ये मान बनाता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन के फॉर्म में, ये माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से मल्टीप्लाई करें तो ये टू कैंसिल तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहां से मान बनाएगा माइनस माइनस ये प्लस वन बाई टू, तो कंप्लीटली अपने पास में जो मान बनेगा वो मान कुछ इस प्रकार से रहेगा, पास जो मान दे रखे हैं
ठीक है, तो माइनस में वन माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस टू एक्स का हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ से मान आएगा अपने पास में टोटली माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ एन माइनस डेल यू बाई डेल वाई इक्वल माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस डेल यू बाई डेल वाई करें तो डेल यू बाई डेल वाई का मान ये अपने पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ कॉस टू एक्स का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये पॉजिटिव है, वन बाई टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ से माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये प्लस टू से टू कैंसिल हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये माइनस का वन बाई टू हो जाएगा यहाँ से। अब माइनस वन माइनस वाई वन बाई टू तो ये माइनस का थ्री बाई टू, और अपने पास माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास एन माइनस डेल यू बाई डेल वाई का मान ये बचा है, तो इसका चौथा जो फॉर्म होता है वो होता है वी वाई, और इसका मान निकाला जाता है इंटीग्रेशन, जो अपने पास में ऊपर डेरिवेशन में बना है एन माइनस डेल यू बाई डेल वाई का मान, उसका वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन माइनस थ्री बाई टू माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें अपन वाई के रेस्पेक्ट, तो यह आ जाएगा माइनस का थ्री वाई बाई टू माइनस वाई क्यूब बाई थ्री, और चाहे तो अपन इसमें इंटीग्रेशन के जो कांस्टेंट है वो सी टू काम में ले सकते हैं। अब इसका जो लास्ट फॉर्म होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यथातथ का, इसका फॉर्म होता है यू अक्स वाई, इसका जो हल लिखा जाता है यू अक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल सी के फॉर्म में, जहां सी जितने भी कांस्टेंट अपन ने यू अक्स वाई में और यू वाई वी वाई में बनाए हैं वो दोनों एक जगह होकर सी बना लेंगे, तो यहाँ यू अक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल सी के फॉर्म में अगर इसका सॉल्यूशन लिखें अपन, तो यू अक्स वाई का मान ये है अपने पास में, ये बनाएगा माइनस वाई कॉस टू अक्स बाई टू, और वी वाई का मान हो जाएगा माइनस थ्री वाई बाई टू माइनस वाई क्यूब बाई थ्री और इक्वल सी। ये जो अपने पास में लास्ट मान बना है ये अपना जो अपने पास इक्वेशन दे रखी थी y साइन टू एक्स डी एक्स माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई इक्वल जीरो का हल हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें इसकी थर्ड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर तीन की, दिया गया है जैसे एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई। अब देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है अपने पास में ये दे रखी है, ये एक्स वाई का कोई फंक्शन मान सकते हैं, जैसे अपन इसको नाम दे दिया एफ वन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और इनटू में दे रखा है वाई डी एक्स प्लस फिर दे रखा है एक्स वाई एफ टू ऑफ एक्स वाई और एक्स डी वाई, ये इस फॉर्म में दे रखा है। पहली बात तो अपन अगर इसको चेक करें कि अगर ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली अगर फॉर्म दें तो इसमें यथातथ की अगर मैं जांच करूं यथातथ अवकल समीकरण की, तो यथातथ अवकल समीकरण की अगर जांच करें हम तो इसका जो मान है उसमें डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल रहेगा डेल एन बाई डेल एक्स। अब सीधा मान अपने पास में डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स है, तो यथातथ तो अपन लगा नहीं सकते इसमें सीधा, तो इसके लिए अपने को इसमें यथातथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें अपन, तो यथातथ में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नियमों के अकॉर्डिंग अगर देखें अपन तो इसका एक फॉर्म होता है, इसका एक समाकलन गुणांक जिसे आई एफ भी कह सकते हैं अपन, समाकलन गुणांक मतलब एक ऐसे फलन से अपने को इसको गुणा करना पड़ेगा जिससे ये यथातथ बन जाए, तो ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है, तो इसके लिए अपन बात करें जो इक्वेशन इस रूप में लिखी जा सकती हो एफ वन ऑफ एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल जीरो की फॉर्म में, उसके लिए समाकलन गुणांक काम में लिया जाता है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई की फॉर्म में, तो यहां से एम एक्स माइनस एन वाई का अगर मैं मान ज्ञात करूं एम एक्स माइनस एन वाई, तो एम एक्स माइनस एन वाई एम का मान मेरे पास ये है पूरा, और इसे जब एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखें अपन पूरा मान को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो अपने पास देखो ये एक्स वाई बना देगा, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें इस पूरी समीकरण से तो ये मान बनाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉस एक्स वाई फिर माइनस एन वाई, तो एन वाई ये अपने पास एन का मान है इसे वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स वाई बनाएगा, फिर एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस
ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है, ये एक्स वाई कॉस एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एम एक्स माइनस एन वाई का मान आया अपने पास में टू एक्स वाई कॉस एक्स वाई। ठीक है, अब ये जो अपने पास में मान बना है एम एक्स माइनस एन वाई का, इससे जस्ट ऑपोजिट करके अपने को पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से उसको मल्टीप्लाई करें अपन, तो अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें अपन, तो मान दे रखा है एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इक्वल जीरो। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन पूरी इक्वेशन को वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई के अकॉर्डिंग, देखें तो यहां से टू एक्स वाई कॉस टू एक्स है ऑपोजिट करके, तो ये अपॉन में आ जाएगा टू एक्स वाई कॉस एक्स वाई, इसके अपॉन में आ जाएगा टू एक्स वाई कॉस एक्स वाई, यहां वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, इसके एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, जस्ट डिवाइड करें अपन इसको तो ये बना देगा एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन टू एक्स कॉस एक्स वाई, सॉरी ये वाई नहीं, ये वाई कैंसिल हो जाएगा डी एक्स प्लस यहां से एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन टू वाई कॉस एक्स वाई माइनस, इसमें एक ही पद लिखा है अपन ने साइन एक्स वाई, ये सॉरी ये एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस, ये स्टेप आगे लिखा हूं मैं एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन टू एक्स कॉस एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई अपॉन टू एक्स कॉस एक्स वाई, और इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है डी एक्स, फिर प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन टू वाई कॉस एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई अपॉन टू वाई कॉस एक्स वाई, और इसके मल्टीप्लाई में दे रखा है डी वाई इक्वल जीरो। इस अवकल समीकरण को अपन हल कर रहे हैं, तो यहां से देखो साइन एक्स वाई अपॉन कॉस एक्स वाई टेन एक्स वाई हो गया, ये एक्स से एक्स कैंसिल तो वाई बाई टू टेन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई से कॉस एक्स वाई, तो ये बनाएगा केवल वन अपॉन टू एक्स डी एक्स, प्लस यहां से साइन एक्स वाई अपॉन कॉस एक्स वाई, ये वाई से वाई तो एक्स बाई टू टेन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई से कॉस एक्स वाई, तो वन अपॉन टू वाई डी वाई इक्वल जीरो। अब ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन में अपन फिर वही फॉर्म आ रही है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल जीरो। अब ये जो फॉर्म बनी है अपने पास में, इस फॉर्म में ये जो एम और एन के मान है ये बिल्कुल डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स होगा, और ये यथातथ होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने जो समाकलन गुणांक काम में लिया था वो यथातथ बनाने के लिए ही किया था, तो यहाँ डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स, सॉरी तो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल डेल एन बाई डेल एक्स, तो ये यथातथ है। और यथातथ तो यथातथ के तरीके से इसको हल करते हैं अपन। यथातथ में अपन ने फॉर्म देखी थी, जैसे अपनी फर्स्ट फॉर्म होती है यू एक्स वाई, यू एक्स वाई को ले अपन तो इंटीग्रेशन एम डी एक्स की फॉर्म में, इंटीग्रेशन एम का मान, तो एम का मान है वाई बाई टू टेन एक्स वाई प्लस वन अपॉन टू एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करें तो यहां वाई जो है वो अपने लिए कांस्टेंट है, वाई बाई टू टेन एक्स वाई का इंटीग्रेशन करें तो टेन एक्स वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग सेक एक्स वाई, और यहां चर का गुणक वाई है तो अपॉन में वाई प्लस वन बाई टू वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, और प्लस में सी वन, ये अपने पास में यू एक्स वाई का मान वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यू एक्स वाई का जो मान बनेगा वो यू एक्स वाई का मान बना लेगा यू एक्स वाई इज इक्वल, जो मान बनेंगे अपने पास में लॉग सेक एक्स वाई, ये वन बाई टू के साथ में वन बाई टू लॉग सेक
एक्स वाई, फिर इसके बाद आएगा प्लस वन बाई टू लॉग एक्स और प्लस सी वन। ये अपने पास में इसका जो मान बनेगा लास्ट में वन बाई टू लॉग से एक एक्स वाई प्लस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस सी वन। फिर बात करते हैं अपन सेकंड फॉर्म की इसकी। तो सेकंड फॉर्म बनाया जाता है डेल यू बाई डेल वाई का मान, वाई के रेस्पेक्ट उसका डिफरेंशियल करते हैं अपन। तो वाई के रेस्पेक्ट अगर करें इसका डिफरेंशियल अपन, तो ये वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, इसमें वाई की फॉर्म आ रही है, तो ये लॉग सबसे पहले लॉग की फॉर्म का होगा और लॉग की फॉर्म का होता है लॉग एक्स की फॉर्म में, तो वन अपॉन एक्स, तो ये वन अपॉन सेक एक्स वाई हो जाएगा। अब सेक एक्स वाई का और लें अपन, तो सेक एक्स वाई का हो जाएगा जो अवकलन करें अपन, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स वाई टेन एक्स वाई। और अब एक्स वाई का लें तो एक्स वाई में अपन वाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स अपने लिए कॉन्स्टेंट है, तो केवल एक्स बचेगा यहां से, प्लस वन बाई टू लॉग एक्स, लॉग एक्स है तो पूरा अपने पास एक्स की फॉर्म में, अपन वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये अपने लिए कॉन्स्टेंट है पूरा, तो इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाए। तो अपने पास डेल यू बाई डेल वाई का जो मान बनेगा वो बनेगा वन बाई टू ये सेक एक्स वाई, क्या बचा यहाँ से एक्स बाई टू टेन एक्स वाई, ये डेल यू बाई डेल वाई का मान आएगा। थर्ड फॉर्म की अगर बात करें तो तीसरा अपने पास पोजिशन आएगा एन माइनस डेल यू बाई डेल वाई का। बात करें अपन n की, तो n का जो मान है अपने पास में दिया गया था ये मान है x बाई टू टेन एक्स वाई माइनस वन अपॉन टू वाई, तो x बाई टू टेन एक्स वाई माइनस वन अपॉन टू वाई माइनस वन अपॉन टू वाई, ये n का मान है। माइनस डेल यू बाई डेल वाई का मान की बात करें तो x बाई टू टेन एक्स वाई, x बाई टू टेन एक्स वाई से x बाई टू टेन एक्स वाई कैंसिल, तो माइनस का वन अपॉन टू वाई आएगा। इस माइनस के वन अपॉन टू वाई के मान को अपन फोर्थ फॉर्म में लें तो वी वाई की जो पोजीशन अपन निकालते हैं, वी वाई होता है इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू वाई डेल वाई और इसका इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट, तो मान आ जाएगा अपने पास इंटीग्रेशन माइनस का वन अपॉन टू वाई डी वाई। इंटीग्रेशन करें माइनस का वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन वाई का अपने पास हो जाना है लॉग वाई और प्लस में कॉन्स्टेंट क्या ले लें सी टू। तो फोर्थ के बाद में फिफ्थ फॉर्म होती है लास्ट, इसका जो हल लिखा जाता है वो हो जाएगा यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल सी। यू एक्स वाई की फॉर्म लें तो यू एक्स वाई का अपने पास मान आया था इधर दे रखा है वन बाई टू लॉग सेक एक्स वाई प्लस वन बाई टू लॉग एक्स और प्लस सी वन है, तो कॉन्स्टेंट ये सी में आ जाएगा। वी वाई की बात करें तो माइनस का वन बाई टू लॉग वाई और इक्वल में सी। इसे अपन और आगे अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा वन बाई टू लॉग सेक एक्स वाई, वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन बाई टू लॉग वाई की अगर बात करें तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट लेके अपन कॉमन लेके इसे लॉग ए माइनस लॉग बी की फॉर्म से लॉग एक्स अपॉन वाई ट्रांसफर कर सकते हैं इक्वल में सी। ये 1 बाई टू है, यहाँ से दोनों का जब एलसीएम लेके अपन इधर सी की तरफ भेजें तो अपने पास मान आ जाएगा लॉग सेक एक्स वाई प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी, और यहाँ लॉग ए प्लस लॉग बी की फॉर्म लगाएं तो अपने पास मान आ जाएगा लॉग सेक एक्स वाई इंटू एक्स अपॉन वाई इक्वल टू सी। लॉग का ट्रांसफर करें तो ये की पावर में कन्वर्ट हो जाना है, तो इसे बनाएंगे अपन एक्स अपॉन वाई सेक एक्स वाई इक्वल ई की पावर टू सी। अब ये जो देखा जाए तो ई की पावर टू सी जो पद है अपने पास पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो इसको अपन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक नया कांस्टेंट नाम दे सकते हैं। तो मान बनाएगा अपने पास में एक्स अपॉन वाई सेक एक्स वाई और इसका नाम जैसे अपन ने दे दिया सी डैश, तो लास्ट मान अपने पास बनेगा एक्स सेक एक्स वाई इक्वल सी डैश वाई। ये अपने पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन ने यूनिट फर्स्ट के देखे हैं। तो ये तो अपनी यूनिट फर्स्ट थी जिसके अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। तो ये आप जितने भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम का टाइम नज़दीक है, तो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप इनको तो सॉल्व करें ही करें, क्योंकि जो हमको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं एग्जाम में आने की दृष्टि वाले हैं कि एग्जाम में आने लायक हैं ये,
तो उन्हीं को सोलो करवाया जा रहा है अभी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग इनको देखें, अपने दोस्तों से शेयर करें,